हाँ दोस्तों, आपका जो कूलर है उसके अंदर से इस प्रकार से टप टप की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कि इसके जो बूस है और जो साफ्ट है वो तो सही है, परंतु इसकी जो साफ्ट है वो पीछे वाला जो ढक्कन है उसके टच हो रही है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस मोटर को खोल देना है। खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 बोल्ट को आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसके पीछे वाइसर लगाने हैं, और वाइसर लगा के यहाँ पे आपको कोई बूस्ट लेके चेक करना है कि अब ये जो वाइसर है वो बूस्ट के हिसाब से सही है या नहीं। यहाँ पे यदि आपको लगता है कि ये जो साफ्ट है वो बूस्ट से बाहर है, तो यहाँ पे कुछ और वाइसर यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं, कुछ और वाइसर यहाँ पे लगा ले रहे हैं, जिससे कि आपका जो कूलर है उसकी मोटर सही हो जाती है, फिर पीछे टच होने वाली नहीं है, फिर आपके कूलर से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।